फरवरी को कल जब सुबह 10:30 बजे प्रोमो वीडियो आया बड़े मियां छोटे मियां, तो कई सारे जो ट्रोलर्स या हेटर्स थे उनकी नींद तब से उड़ी पड़ी है, क्योंकि वो खिलाड़ी को हमेशा 135 करोड़ का खिलाड़ी कहते थे। उनको पता है कि ये खिलाड़ी सीधा 300 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और कुछ तो कल ही कह रहे थे यार ये पिक्चर हम जल्दी रिलीज करो, अभी रिलीज कर दो। मैं भी चाहता हूँ कि अक्षय कुमार ऐसे फैंस की बातें सुन ले और इस फिल्म को सही में जल्द से जल्द रिलीज करे, क्योंकि आप ऑडियंस को इसमें एक्शन दे रहे हैं, आप ऑडियंस को इसमें कॉमेडी दे रहे हैं, और एक्शन भी नॉर्मल नहीं, मार्शल आर्टिस्ट दोनों ही, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, वो दोनों जब एक्शन करेंगे और साथ में एक्शन करेंगे, और जब बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा बागी 3 और सूर्यवंशी वाला, धमाल मजा आने वाला है। किस तरह का कैरेक्टर स्केच है वो तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ ये बात साफ है कि ये फिल्म के ऊपर तोहमत भी अब कोई लगा नहीं सकता, यानी कि इल्जाम ये नहीं कह सकता कि रिमेक है, क्योंकि वाकई में रिमेक नहीं है। ये फिल्म को पैन इंडिया लेवल के हिसाब से परस्यू किया जाएगा, बनाया जाएगा, और इस फिल्म का बजट अगर जितना मेरे लॉजिक्स है, इस फिल्म का बजट को 150 करोड़ के ऊपर से लेकर 200 करोड़ तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे मेकर्स, क्योंकि ये मल्टी स्टार कास्ट फिल्म है, ये दोनों ही एक्टर आ गए तो ऐसा लगता है पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ही साथ में आ गई। इसके अलावा दो खूबसूरत हसीनाएं भी होंगी इस फिल्म में, ये बात पक्की है। इसके अलावा कुछ कॉमेडी का तड़का होगा, कोई जैसे कि मे बी जॉय लिवर, अश्वल यादव विलन्स होंगे जैसे कि, है ना। सो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू बी ए बिग मसाला फिल्म, और बड़े में छोटे में 1998 में भी आई थी, तो वो भी एक बड़े बजट की फिल्म थी और एक बड़े तौर पर बनी थी, और लगता था कि कोई फिल्म बनी है, राइट। सो वो चीजों का भी ख्याल रखेंगे मेकर्स, और सबसे अच्छी बात है कि मेकर्स ने दुखती रख पर हाथ नहीं रखा है, यानी कि बहुत ज्यादा शायद कॉमेडी नहीं करवाएंगे और एक्शन को लेकर ही थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइगर श्रॉफ जो है कॉमेडी ठीक ठाक कर लेते, बहुत बेहतर नहीं कर पाते, ये बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, बट हाँ अक्षय कुमार है तो टेंशन नहीं, क्योंकि अक्षय कुमार की कॉमेडी टाइमिंग की साजिद नाइट वाला ने भी तारीफ की है, तो आई डोंट थिंक कॉमेडी का कोई ऐसा बहुत ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। और वैसे भी टाइगर को अगर सपोर्ट मिला था ऋतिक रोशन का, तो वॉर का कमाल कलेक्शन हुआ था, 300 करोड़ के ऊपर गई थी, ये भूलना नहीं। तो यहाँ पर भी सपोर्ट टाइगर और अक्षय दोनों ही है, टाइगर को सपोर्ट मिला अक्षय का, तो मुझे यकीन है कि बहुत आगे फिल्म जाएगी। एनीवेज, ये सब बात करते करते मेन चीज तो मैं भूल ही गया कि 24 घंटों में जो व्यूज आए ना दोस्तों, ये भौकाल है। हेटर्स को जलाने के लिए काफी है, क्योंकि जितना लोगों के ट्रेलर के टीजर के व्यूज नहीं आते, उतना इसके अनाउंसमेंट वीडियो के ट्रेलर के व्यूज आ चुके 24 घंटों में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से बड़े मियां छोटे मियां अनाउंसमेंट वीडियो व्यू काउंट टिल 24 आवर्स। कल सुबह 10:30 बजे आया था, आज सुबह 10:30 बजे तक का आपको व्यूज काउंट बताता हूं। 1.1 करोड़ व्यूज, कल 45 लाख व्यूज थे 12 घंटों में, मैंने आपको बताया था 45 लाख, यानी कि 4.5 मिलियन व्यूज, और यहां पर 11 मिलियन व्यूज, यानी कि रातों रात पागलपन बढ़ा है इस फिल्म को लेकर, और देर रात से लोगों ने बहुत देखा है। दूसरी बड़ी चीज, थर्ड पर ये ट्रेंड हो रहा है, थर्ड पर जो फिफ्थ पर ट्रेंड हो रहा था कल 12 बजे के बाद, इसके अलावा यानी कि लोगों को ज्यादा पसंद आया। इसके अलावा 3.1 लाख लाइक्स है, जो कल 2.3 के आसपास कुछ थे, यानी कि लाइक्स भी अच्छे खासे बढ़े हैं। इसके अलावा कमेंट्स काफी हद तक बढ़े हैं, 20,000 या 22,000 के आसपास कमेंट थे, जो अभी 35,000 के ऊपर कमेंट है। तो ये सब चीजें क्या दर्शाती है, माफ करेंगे, ये सब चीजें ये दर्शाती है कि बड़े मियां छोटे मियां बड़ी फिल्म है, और जब ये बॉक्स ऑफिस पर आएगी तो झंडे गाड़ेगी, और टाइगर श्रॉफ के फैंस फुल सपोर्ट करेंगे, अक्षय कुमार के फैंस फुल सपोर्ट करेंगे, और पूरी बॉलीवुड एक साथ सपोर्ट करेगा इस फिल्म को। और ये पैन इंडिया फिल्म है, तो पूरे इंडिया में ये अलग अलग मार्केट में डंका बजाएगी, क्योंकि मुझे
साफ पता है कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की पॉपुलरिटी अक्रॉस इंडिया बहुत ज्यादा है, ओवरसीज मार्केट में भी ये फिल्म बहुत कमाल करेगी, जैसे कि यूएसए हो, मिडिल ईस्ट कंट्री हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, फिजी हो, कनाडा हो, ये सब मार्केट में ये फिल्म ना झंडे गाड़ेगी। तो कुल मिलाकर आप कितने खुश हैं बड़ी में छोटी मियां के 24 आवर्स रिव्यूज काउंट के बारे में अनाउंसमेंट वीडियो के जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और कितनी बार देख लिया है आप लोगों ने प्रमो वीडियो जरूर बताएगा फिर से।